नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसके चलते गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अब खाने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाला अनाज अब राहत दिला सकता है। तो वहीं हमारे शहर उल्लासनगर में राशन दुकानदार के मनमाने रवैये से आम जनता परेशान हो रही है। गरीबों को राशन नहीं बांटा जा रहा था। आपको बता दें, उल्लासनगर 2 में 40F251 यह राशनिंग दुकानदार लोगों को 1 अप्रैल से मिलने वाला अनाज नहीं दे रहा था। यहां तक कि उसने अपनी दुकान ही बंद कर रखी। हमारा तो राशन कार्ड ही खराब कर दिया है, तो हमें तो राशन मिलता ही नहीं, लेकिन जिसका है उसे भी राशन नहीं देता है, क्योंकि इसके दुकान का खुलने का कोई टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि समय पे दुकान खोले और समय पे उन आदमियों को, दूर दूर से लोग आते हैं राशन लेने, 8-8 बजे 9-9 बजे रात को बैठ के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस इंसान का पता नहीं रहता है कि ये राशन दे उनको। तो आपको राशन मिलता ही नहीं? नहीं मिलता है, बहुत कम जन को राशन मिलता है। जब राशन कार्ड गाड़ी आता है तो 2-4 जन को, पास के लोगों को फ़ोन करके बुलाता है, राशन देता है और फिर उसके बाद बंद कर देता है। अभी पूरा शहर बंद है, राशन नहीं। हाँ, जबकि खाने की महामारी चल रही है, आप क्या खा रहे हो? अब क्या खाएंगे, मांग के खाएंगे और क्या खाएंगे, इनसे उनसे मांग के ही खाएंगे ना। जिसके जिसके घर में दिहाड़ी मजूर है वो कैसे खाएगा बताइए, जब राशन नहीं देंगे, जब राशन नहीं देंगे तो वो मांग के खाने का नौबत लग जाएगा। तो स्थानीय लोगों ने परिसर के रहने वाले समाज सेवी गुड्डू राय से इस बारे में बताया, तो गुड्डू राय ने राशनिंग अधिकारी सानप को इस दुकान 40F251 जो आजाद नगर उल्लासनगर 2 में है, इसकी जानकारी। कम से कम 10 से 15 दिन से बंद है और हमेशा बंद ही रहती है, जब भी आओ बंदी रहती है। पब्लिक इधर आती है 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा वेट करके चले जाते हैं। हमारा रामाबाई टेकरी हनुमान नगर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से बुढ़े बुजुर्ग लोग नीचे उतरते हैं, यहाँ वेट करके उसका चले जाते हैं, आता ही नहीं राशन का, आश्वासन पे आश्वासन देता है। अभी तो कोरोना वायरस जब से आया पूरी पब्लिक महामारी में मर रही है, उसके बाद भी ये इधर आता नहीं है, पब्लिक आके वेट कर रही है। चले हम बाजू में रहते हैं, तो हम ये समस्या देख के इसमें हम बीच में आए कि समस्या का सॉल्व करें। अभी हमने सानप साहब से 2 बार बात किया, सानप साहब बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं इधर 96 नंबर बाजू में हमारी दुकान रामबाबू मालगी चौक पे, उसको इसका रद्द करते उधर हम सबको ट्रांसफर देते हैं, वो आश्वासन अभी सानप साहब ने दिया है। अभी आप देखिए पूरा पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, धूप में क्या जरूर, अगर वो आप टाइम पे खोलता टाइम पे देता तो पब्लिक को इधर खड़ा होने का जरूरत नहीं रहता था। अभी कभी भी आता नहीं है, आएगा 10 मिनट वो नहीं आता, उसकी वाइफ आती 10 मिनट के लिए खोलेगी और वो चले जाती है। तो इधर कभी राशन आता है क्या? गाड़ी आती है क्या? गाड़ी आती है, अभी भी राशन अंदर भरा है और शाम के उसका अंबरनाथ में दुकान है राशन का, वो आता खाली इधर से निकालता है और लेके जाता है अंबरनाथ में। यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो खुद ही ब्लैक कर लेता है पूरा सामान, खुद ही ब्लैक कर लेता है, खुद ही थंब भी लगा लेता है सबका, उसके पास सब पूरा सब है, खुद ही सब करता है। ऐसे आदमी पे किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हो आप? हम तो कार्रवाई का इसका राशन कार्ड रद्द, इसका राशनिंग लाइसेंस रद्द किया जाए और कोई अच्छे आदमी को देंगे वो चलेगा, मगर इसका रद्द किया जाए, ऐसा आदमी यहाँ पे हमको मांगता नहीं है। तो आपको सानप साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी? सानप साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसका शाम तक हम इसको रद्द करेंगे, इसका लाइसेंस रद्द करेंगे और 96 तक अभी हम इनको तब तक देते हैं करने के लिए। 96 दुकान नंबर है इसका, दो दुकान है यहाँ पे, एक अंबरनाथ में और ये राशन कार्ड राशन के दुकान के ऊपर 20 से 25 बिहारी लोगों को रखा है। उधर देखिए आप, अपने 20 से 25 बिहारी लोगों को रखा एक है वहाँ एक साथ, यहाँ पे प्रशासन शासन बोलती है कि दूरी बना के रखिए, एक ही साथ 20 लोग के 25 लोग को ऊपर रखा है यहाँ पे। राशनिंग अधिकारी सानप ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया और इस दुकान के राशन कार्ड धारकों को पास के राशनिंग दुकान में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ से इन सभी राशन कार्ड धारकों को अनाज दिया जाएगा। आज त्या दुकानाबद्दल बऱ्याचशा तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, तर आणि तिथले जे रेशन कार्ड धारक आहेत त्यांची व्यवस्था आम्ही तात्पुरती सध्या बाजूच्या सर्व रेशन दुकानांमधून पोर्टेबिलिटी करून धान्य देणार आहोत आणि 40F251 आज बंद करण्याची कारवाई करणार आहोत। आणि सर, त्या दुकानात जो माल पडलेला आहे तिथल्या लोकांचं म्हणणं आहे हा माल दुसऱ्या दुकानात घेऊन जातो, तर त्याच्यावर काही गुन्हा दाखल होऊ शकतो? हो, त्या दुकानात स्टॉक बुकला किती माल आहे आणि त्याची विक्री किती आहे त्याच्याप्रमाणे त्याच्या दुकानात साठ्याची तपासणी करून जर साठ्यामध्ये काही तफावत आढळली तर त्याच्यावर आम्ही पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करून ते दुकान बंद करून त्या दुकानातला जो शिल्लक साठा आहे तो बाजूच्या ज्या दुकानात आपण ते कार्ड जोडणार आहोत
त्या दुकानांना तो माल आपण वर्ग करणार आहोत त्या दुकानांमध्ये तो माल. दुकान नंबर काय देतो? दुकान नंबर 40251. तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट केला तर काय त्यांचा रिप्लाय? त्यांना सकाळपासून मी कमीत कमी 25 ते 30 वेळेस मी कॉन्टॅक्ट केला. आमचे त्या एरियाचे रेशनिंग इन्स्पेक्टर राठोड जे सध्या गावी आहेत ते त्यांनी पण सकाळपासून बऱ्याच वेळेस प्रयत्न केला आणि तिथल्या कार्ड धारकांनी पण बऱ्याच वेळेस त्यांना प्रयत्न केला फोन करण्याचा, पण त्यांनी फोन उचलत नाहीत. ते कोणाचाही फोन त्यांनी उचलला नाही सकाळपासून. त्याच्यामुळे आज दिवसभरात ते दुकान आम्ही बंद करून ती कार्ड बाजूच्या दुकानांना जोडून टाकू. ती आज उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.